ये खटाई है, ये समझ लेंगे 27-28 साल से ये एक ही मसाला है। अच्छा माशाल्लाह, फर्क है। तो मीठी चटनी किसकी बना रहे हैं? आलू बुखारे वाली के हो बंद यो सब तू ये समा बाकी पिछले जून के अपने पास। अच्छा जी, आज गुजरावाला के दो स्ट्रीट फूड आपको ट्राई करवाऊंगा। गुजरा वाला की ये तो नेशन वाइड स्ट्रीट फूड है वैसे, एक सत्तू और दूसरा जो है ना वो एक पापड़ी चाट है। स्नैक टाइम हुआ है, लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, यहाँ से आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आप दोबारा ज़रूर इसके पास आएंगे। उससे पहले जो हम सत्तू पिएंगे जिनाह स्टेडियम से, सत्तू कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है, आप सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूँ कि सत्तू एक्चुअल जो है ना वो जौ से बनता है। जौ को जौ की भुनाई करके फिर उसको पीसते हैं, इसकी पिसाई थोड़ी मोटी रखते हैं, इसी को बारीक कर लेंगे तो जौ का आटा बन जाएगा। तो उसको फिर शक्कर के साथ मिक्स करके, बर्फ़ ठंडा ठंडा पानी के अंदर मिक्स करके उसको फिर आपको देते हैं। इसमें भी थोड़ी सी एक छोटी सी दो नंबरी होती है कि बाद अवकात लोग जो है ना वो सत्तू की जगह गंदम को पिसवा कर तो उसको शक्कर में मिक्स करके जो है ना वो आपको देते हैं। बहरहाल इसका सबसे बेहतरीन वे तो ये है कि अगर आप खुद अपना जो पिसवा के अपनी बुनाई करवा के पिसवा के आप घर में तैयार करें तो वेल एंड गुड है। तो जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, एक तो ये बुज़ुर्ग काफ़ी देर से यहाँ जिनाह स्टेडियम के अंदर अपना स्टॉल लगा रहे हैं, और एक इनकी सफाई सुथराई निस्बतन जो सत्तू वाली रेड़ियाँ आपको मिलेंगी उनकी निस्बतन इनकी सफाई सुथराई कुछ अच्छे मेयार की आपको मिलेगी। 50 रुपये का इनका ग्लास है। हम लोग इनसे पानी जो है जो फिल्टर का यूज़ करते हैं, हम लोग ज़रा इससे वो शीशे के ग्लास में पियेंगे बड़े मगे के अंदर, ज़रा वीडियो में अच्छा लगता है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी किसी भी ऐसे स्ट्रीट फूड स्टॉल से आप कोई चीज़ खास तौर पर पीने वाली जो है ना वो डिस्पोजिबल ग्लासेस में इस्तेमाल कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद चलेंगे जी हम लोग एक चाट वाले पॉइंट के पास। शक्कर आ गई जी, शक्कर। इसमें कितने गिलास तैयार होंगे जी? ये जितने चम्मच आप डाल रहे हैं? दो चम्मच। अच्छा अच्छा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, दो चम्मच, तीन गिलास। अच्छा, तीन गिलास होंगे, ठीक है। ये है सत्तू, सत्तू ये सत्तू है जी, देसी एक नंबर आई है। तो पानी अंकल जी कहाँ से ले रहे हैं आप? फिल्टर 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 का तोड़ पियो सब तू ये समा बाकी पिछले जून के अपने पास तो ये है हूँ थोड़ा तैयार हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। दसो नहीं ये नहीं अंकल जी, मगे च पाना है, बड़े मगे बना दो। हाँ, वो पानी मार लो बस। वो जो सत्तू तैयार हो गए, ये यहाँ पे जो है 50 रुपये का 80 रुपये का ग्लास मिलता है। और ये बाबा जी यहाँ पे लगाते हैं सत्तू, दिखा दें फेमस जरा ये बाबा जी की। ये गुजरावाला जिनाह स्टेडियम है और चिश्ती सियालवी स्टॉल के नाम से जो है ना इनका ये स्कंजवी भी लगाते हैं, और आजकल इन्होंने सत्तू लगाया हुआ है। और निस्बतन जो आपको स्ट्रीट फूड लेवल पर जितनी को हाइजीन मिल सकती है उनमें निस्बतन आपको ये अच्छी सफाई सुथराई वाली जो है ना वो दुकान मिलेगी। इसके बाद आपको एक बड़ी मज़े की पापड़ी चाट वाला पॉइंट दिखाता हूँ। तो इसको मिक्स करके खास तौर पर जब आप पीने लगें तो मिक्स करके जो है ना, ओहो ये देखें, ये भाई ने जरा क्लोज करी कि चिंची को बड़े स्टाल लगाया हुआ है और बड़े सालों से जो है ना यहाँ पे पापड़ी चाट लगाते हैं। ये पापड़ी की प्लेट तैयार होने लगी है, और ये सबसे पहले इसमें ऐड होंगे चने, आ गए आलू, ये आ गए। पापड़ी खुद अपनी बनवा रहे हैं या बाहर से खरीद रहे हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये तैयार आ गया। अच्छा, एक मजे की चीज़ देखें कि हर चीज़ आपको ऐसी तरोताज़ा नज़र आएगी। अब खुली जगह पे एक चीज़ मैं आपको बाद में भी बताता हूँ, बल्कि मसाला ऐड हो गया। ये चाट मसाला की ये भी कुछ स्पेशल होता है जी? ये खटाई है, ये समझ लें कि 27-28 साल से ये एक ही मसाला है। अच्छा माशाल्लाह, फर्क है। तो मीठी चटनी किसकी बना रहे हैं? आलू बुखारे वाली की खुरबानी की? खुरबानी की गलती है। अच्छा। वो आलू बुखारे की नहीं होती, वो जरा खट्टी होती है, महंगी भी बढ़ जाती है ना? नहीं महंगी की बात नहीं है, वो टेस्ट नहीं बनता इसका। अच्छा, फ्रूट चाट के साथ बनता है। चलो जी, ये आ गई पापड़ी। अच्छा जी, पापड़ी की प्लेट हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। और पापड़ी देखें ज़रा करीब लाना शम्मस के, आए ये क्रिस्प आ रहे हैं नज़र। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें तो आपने देख ली हैं, चना है, खटियाई थी, मीठी चटनी थी, इसके अंदर आलू हैं, पापड़ी है, और सारी इनकी। और ये बड़ा पुराना अड्डा है ये, अभी तो मैं पहले इसकी लोकेशन आपको बता दूँ, बड़े लोग लोकेशन का बड़ा इतराज़ करते हैं, मैं लोकेशन हर वीडियो में बताता हूँ भाई, ज़रा ध्यान से देखा करें। गुजरावाला नादरा का जो मेगा ऑफिस है एक ही है, जीटी रोड पे, जो आपको निगार फाटक, अगर सिटी साइड से आ रहे हैं निगार फाटक क्रॉस करते हैं, नादरा का जो ऑफिस आपको मिलता है उसके बाहर कॉर्नर पे ये चाट लगाते हैं, और ये 4 बजे के करीब आते हैं। उसके बाद स्ट्रीट फूड लेवल के ऊपर जब सफाई सुथराई की बात हो रही होती है तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पर आपको एक तो हर चीज़, आप कोई भी चीज़ खुद भी आकर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, एक जो साफ़ सुथरी और फ्रेश चीज़ होती है ना वो अपना आप खुद भी बोलती है।
फिर एक खुली जगह पे उसने बेचारे ने स्टॉल लगाया हुआ है, तो वहाँ पे मक्खी तो आनी आनी है, डेफिनेट बात है, लेकिन हर चीज़ उसने ढक के रखी हुई है। इस सेंस में मैं कहता हूँ कि यार निस्बतन साफ़ सुथराई वाला अड्डा है, उसकी रेड़ी आपको साफ़ मिलेगी, कहीं पे आपको गंद पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। मक्खी उड़ती है वो भाई, अगर आप अपना आपका घर भी कोई ओपन किचन, घर में भी कोई ओपन किचन है तो वहाँ पर भी आपको मक्खी मिल ही जाती है कोई ना कोई। तो इस सेंस में जो होती है ना सफाई सुथराई की बात, उसके अलावा रेट जो है इनका, इसके बाद जो है ना आपको 100, 120, 150 रुपए की पापड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके जिसके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, अगर आपने यहाँ से ट्राई नहीं की भी तो आप दोबारा इसको खाने के लिए ज़रूर आएंगे। गुजरांवाला में जितने बिनले वाली जितनी भी पापड़ी चाट्स हैं ना, उनकी नस्बत आपको यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा।